वेलकम फ्रेंड्स, आज हम प्रैक्टिस सेट टू लेकर आए हैं जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए। ये प्रैक्टिस सेट है जिसमें 30 क्वेश्चंस रहेंगे। आपको 5 सेकंड्स दिए जाएंगे पर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हेन जनजातीय गौरव दिवस वॉज ऑब्जर्व। जनजातीय गौरव दिवस जिसको ट्राइबल प्राइड डे कहते हैं, वो कब ऑब्जर्व किया जाता है? जल्दी से आंसर करें आप। द ऑप्शंस आर देयर, और जल्दी से आंसर करें। द राइट आंसर इज 15 नवंबर। ट्राइबल प्राइड डे 15 नवंबर को बनाया जाता है। कुछ और इसके बारे में, ये जो है ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा के नाम पर ये बनाया जाता है। ये ट्राइबल के बहुत ही बड़े लीडर रहे हैं। व्हेन एंड वेयर डिड द रिवॉल्ट 1857 बिगन? 1857 का रिवॉल्ट जो है वो कहाँ, कब और कहाँ पर शुरू हुआ था? जल्दी से आंसर करें, जल्दी से। वेरी गुड, 10th मई एट मीरठ से शुरू हुआ था ये रिवॉल्ट। ओके, द नेक्स्ट इज, फ्रॉम विच प्लेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट? वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज कौन से रीजन से ओरिजिनेट होती हैं? जल्दी से बताएं। The right answer is Mediterranean region. Okay, so the next is the Tehri hydropower complex, या Tehri dam हम कह सकते हैं, Tehri complex built on which of the following river? जल्दी से आंसर करें। Tehri dam या Tehri hydropower complex कौन से river पे बना है? The right answer is Bagirathi river. Okay, the next is, what is the UT animal Jammu and Kashmir? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं जेकेएसएसपी के एग्जाम्स में। UT animal कौन सा है? स्टेट एनिमल जो था वो ही UT animal है, हंगूल को ही UT animal रखा गया है। ओके, जल्दी से बताएं, यूटी बर्ड कौन सा है? यूटी बर्ड जो है, यहाँ पर आपको बता दूँ, कैलिज पेसेंट जो फेसेंट जो है, इज़ डिक्लेयर्ड एज द यूटी बर्ड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यूटी। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग रोड द पुंछ? किसने लिखा था कि पुंछ वाज फेमस फॉर ग्राफिक्स एंड फाइन टी? पुंछ फेमस है ग्राफिक्स और फाइन टी में, ये किसने लिखा था? जल्दी से बताएं। तो ये किसने लिखा था? हुआंग त्संग ने कहा था पुंछ इज फेमस फॉर ग्राफिक्स, फाइन टी एंड गुड हॉर्सेस। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सॉरी थोड़ा सा हैंग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू प्रोड्यूस वीट्स इन इंडिया? तो वीट के रिलेटेड, प्रोडक्शन ऑफ वीट के रिलेटेड आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। तो आपको बता दूं, वीट इज़ अ रबी क्रॉप, तो ये सामने दिख रहा है, जल्दी से बताएं। इज अ टेम्परेट क्रॉप, यस। इट रिक्वायर कूल क्लाइमेट विद मॉडरेट रेनफॉल, वेरी गुड। तो दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन, ग्रोन इन ड्राई पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, ड्राई पार्ट ऑफ साउथ, नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा ग्रो होती है वीट। ओके, नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ऑफ साइल इज आइडियल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन? कॉटन की कल्टिवेशन कौन सी साइल इंपॉर्टेंट होती है? जल्दी से बताएं, आंसर करें। वेरी गुड, आप सोच रहे होंगे अभी के ब्लैक साइल यहाँ पर है नहीं, तो आपको पता ही होना चाहिए कि रगर जो है इसको, ब्लैक साइल को ही रगर कहा जाता है, ब्लैक कॉटन साइल को रेगर, रेगर कॉटन कल्टिवेशन के लिए रेगर या ब्लैक साइल ज़रूरी होती है। गल्फ ऑफ कॉर्पसिस इज द नेम गिवन टू द डीपेस्ट सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक? कौन सी लेक की डीपेस्ट सेक्शन को गल्फ ऑफ कॉर्पसिस कहा गया है? नेम गिवन टू द डीपेस्ट सेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लेक जम्मू कश्मीर, जल्दी से बताएं आंसर। द राइट आंसर इज वुलर लेक, गल्फ ऑफ कॉर्पसिस, वुलर लेक याद रखना। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ द रबी क्रॉप ग्रोन? रबी क्रॉप सॉन, सॉन कब बीजी जाती है? रबी क्रॉप कौन सी मंथ में? तो रबी क्रॉप आपको पता है विंटर क्रॉप होती है, तो विंटर के स्टार्टिंग में, लगभग अगस्त सितंबर, अक्टूबर मार्च नहीं, जल्दी से बताएं। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, कुछ ऑप्शंस में यहाँ पर अगस्त सितंबर है, यहाँ आप कह सकते हो अक्टूबर नवंबर भी आप इसको कह सकते हो। ओके, ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पर अगस्त और सितंबर में ग्रोन किया जाए। थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, खरीफ क्रॉप जो होता है ना, खरीफ गर्मी के क्रॉप को कहते हैं, समर क्रॉप्स ये याद रखना, और रबी जो है वो विंटर क्रॉप्स को कहते हैं। खरीफ ग्रोन इन जून जुलाई, ये भी याद रखना है, और रबी जो है ग्रोन इन अगस्त सितंबर, अगस्त सितंबर आप रहने दो, आप जो एग्जैक्टली है वो अक्टूबर नवंबर याद रखो, अक्टूबर नवंबर जो सर्दियाँ जब स्टार्ट होती हैं तो ये ग्रोन की जाती है वीट। ओके, तो एग्जाम्पल जो है खरीफ की एग्जाम्पल क्या रहेगी? राइस, मेज़, बाजरा, सोयाबीन, कॉटन, ये कुछ हैं, इसके अलावा भी और हैं, वीट, बर्ले,
ओट पल्सिस मस्टर्ड लीन सीड जो है ये रबी क्रॉप्स हैं। ओके द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 इज पिन वैली नेशनल पार्क के बारे में। पिन वैली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन कौन से स्टेट में है? पिन वैली नेशनल पार्क जल्दी से बताएं। बायोडाइवर्सिटी पे क्वेश्चन है तो ये है आपकी हिमाचल प्रदेश में। ओके वेरी गुड वेरी गुड। हिमाचल प्रदेश की कुछ और नेशनल पार्क को भी याद रख सकते हैं। पिन वैली के साथ साथ खीर गंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में हैं। ओके इसके दो ऐसी स्टेट हैं जिसके नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि असम में काजीरंगा नेशनल पार्क और मनहास नेशनल पार्क। बहुत बार पूछा गया कौन सी स्टेट में है, याद असम में काजीरंगा मनहास। इसके साथ साथ गुजरात की नेशनल पार्क भी पूछी जाती हैं, ब्लैक बक नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क और गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क जो है ये गुजरात में हैं, ये भी आपने याद रखना है। विच ऑफ द क्वेश्चन नंबर 12 हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्टूपा, सांची स्टूपा किसने कंस्ट्रक्ट किया है? ये कल्चरल हेरिटेज क्वेश्चन है आपको, वो कंस्ट्रक्टेड द सांची स्टूपा, तो ये जल्दी से आंसर कर जल्दी से। अशोका ने कंस्ट्रक्ट किया था, अशोका, ठीक है, अशोका ने, अशोका। हु अमंग द फॉलोइंग रिफॉर्मर फाउंडेड आर्य समाज, तो आर्य समाज सोशल अपराइजिंग पे क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। आर्य समाज किसका फाउंडर कौन है जल्दी से बताएं, तो राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। अब एक और बात है, राजा राम मोहन राय किसके फाउंडर हैं जल्दी से बताएं, तो ब्रह्मो समाज के फाउंडर राजा राम मोहन राय हैं, ब्रह्मो समाज 1930 में बनी थी। आगे चलते हैं, द नेक्स्ट इज 14 द थ्री पॉलिसी, सॉरी थ्री नहीं है, द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस्ड बाय किस गवर्नर जनरल ने इंट्रोड्यूस की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स पॉलिसी। हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है जल्दी से बताएं, तो ये आपकी इंट्रोड्यूस की गई थी, लॉर्ड डलहौस ने इंट्रोड्यूस की थी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये तीनों चारों जो है गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वेलेस्से परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल याद रखना है, परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल वेलेस्से के दौर में, सब्सिडरी अलायंस वेलेस्से के दौर में थी। बेंट्रिक के दौर में बहुत सारी चीज़ें हुई थी, इंग्लिश जो है ये बेंट्रिक और इसका ये जो मकाली है ये बेंट्रिक के दौर में ही ये चेयरमैन रहे हैं कमीशन जो इंग्लिश पे कमीशन बनी थी, इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया था इंडिया का, इंग्लिश पे बहुत सारा काम यहाँ पर हुआ है, तो आपको याद रखना है मकाली और बेंट्रिक दोनों ने मिलकर की थी। तो वेलेस्से सब्सिडरी अलायंस और लॉर्ड डलहौस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। क्वेश्चन नंबर 15 व्हाट इज द अदर नेम फॉर द क्रोकस सेटिवस का दूसरा नाम जल्दी से बताएं, क्रोकस सेटिवस का दूसरा नाम, या फिर आप कह सकते हो किस चीज़ का नाम साइंटिफिक नेम क्रोकस सेटिवस है, तो क्रोकस सेटिवस साइंटिफिक नेम ऑफ सफरान। आपको पता है सफरान से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो प्रॉबली ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको, क्रोकस सेटिवस सफरान का साइंटिफिक नेम है। इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च, कौन सी साल में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था जल्दी से बताएं, प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च इन 1973-74, तो आप एग्जैक्टली अगर कहा गया तो 1973 में आप कह सकते हो 1973 में, तो ये आप कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर याद रखना चाहो तो टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, प्रोजेक्ट सी टर्टल 95 में, प्रोजेक्ट स्नो लीपर्ड ये इंपॉर्टेंट है 2009 में स्नो लीपर्ड प्रोजेक्ट आया था, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में, प्रोजेक्ट डॉल्फिन 1997 में आया था। ओके तो प्रोजेक्ट टाइगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 17 हु कंस्ट्रक्टेड द सांची स्तूपा, सॉरी ये रिपीट हो चुका है, तो अशोका ने कंस्ट्रक्ट किया था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी, कौन सी स्टेट की हाइएस्ट डेंसिटी है जल्दी से बताएं, तो हाइएस्ट डेंसिटी है आपकी यहाँ पर बिहार की हाइएस्ट डेंसिटी। ओके हाइएस्ट, और लोएस्ट किसकी है, लोएस्ट है आपकी अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की लोएस्ट डेंसिटी है 2011 के सेंसस के हिसाब से। अकॉर्डिंग द फॉलोइंग इवेंट इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के इवेंट्स को सीक्वेंस में, सॉरी इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हुई थी उसकी जो इवेंट्स उसको सीक्वेंस में रखें आप क्रॉनिकल ऑर्डर में जल्दी से बताएं, पहले कौन सा इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनी 1885 में, ठीक है, साइमन कमीशन कब आई थी 1927 या 28 में आई थी, होम रूल लीग कब बनी थी 1916 में, कैबिनेट मिशन प्लान कब आया था 1946 में, तो आपको समझ आ गया होगा इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसकी सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए इसका राइट आंसर क्या होता है। पहला ए फर्स्ट आएगा, देन दूसरे नंबर पे थर्ड आएगा, तो फर्स्ट थर्ड फिर आएगा आपका फर्स्ट थर्ड के बाद सेकंड, फर्स्ट थर्ड सॉरी फर्स्ट उसके बाद ये
सेकंड, फिर थर्ड, फिर सेकंड। तो इस तरह से आप ये सीक्वेंस लगा सकते हैं जहाँ पर ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो सीक्वेंस में इसको लगा सकते हैं, द डिकेडल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया बिटवीन 2001 से 2011, 2001 का सेंसस हुआ ना, उसके बाद 2011 का सेंसस हुआ, इसके बीच में जो डिकेडल ग्रोथ हुई, डिकेड 10 साल में पॉपुलेशन ग्रोथ हुई वो कितनी थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये थी आपकी 17.7%, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रहा है कि 10 साल में इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है, 17.7 पॉपुलेशन ग्रोथ, डिकेडल ग्रोथ हुई थी 10 साल की, ये एक से ही आरन तक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन 21, अ पर्सन हु इज एन इंटरनेशनल माइग्रेंट इंटरिंग द कंट्री फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड द कंट्री, उसको क्या कहा जाता है। एक इंटरनेशनल माइग्रेंट है, बाहर से एक बंदा अंदर आ रहा है हमारी कंट्री में, तो उसको क्या कहेंगे, जल्दी से बताएं आंसर इज, अंदर आ रहा है तो इमिग्रेंट कहेंगे, इमिग्रेंट। तो आपको पता आई आई से याद है इन, अंदर आने वाले को इमिग्रेंट कहते हैं, तो जो निकल गया उसको इमिग्रेंट कहते हैं, बाहर जाने वाले को, ठीक है। जो अंदर इन माइग्रेट इन कर रहा है तो उसको इमिग्रेंट कहेंगे। 22, स्मॉलेस्ट स्टेट इन द एरिया एंड पॉपुलेशन, एरिया के हिसाब से और पॉपुलेशन के हिसाब से स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी इंडिया की, जल्दी बताएं। एरिया के हिसाब से गोवा है और पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से कौन सी, जल्दी से बताएं। मिजोरम नहीं है पॉपुलेशन के हिसाब से, जल्दी बताएं। गोवा और सिक्किम, वेरी गुड, राइट आंसर इज गोवा एंड सिक्किम। एरिया के हिसाब से गोवा और सिक्किम जो है पॉपुलेशन के हिसाब से छोटी स्टेट है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट, जल्दी से बताएं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितनी स्टेट से पास होकर गुजरता है इंडिया की, वेरी गुड, राइट आंसर इज 8 स्टेट से गुजरता है। तो इसका नाम भी आपको याद रखना है, 8 स्टेट कौन सी है, गुजरात की तरफ से, चलो आप वेस्ट से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम इस साइड वाली हैं, तो आपको याद है, झारखंड और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ ही है मस्त। तो इस तरह से आप एक इंडिया जो है ना, जैसे ये इंडिया है सपोज, तो इस तरह आप चलना है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ कौन कौन सी स्टेट में, 8 स्टेटें आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 24, जल्दी से आंसर करें। गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, गुवाहाटी कौन से रिवर की बैंक पे है, किनारे पे, तो इट इज़ इन द बैंक ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा, ओके। सो द नेक्स्ट इज, इंडिया लाइज इन द हेमिस्फीयर, कौन सी हेमिस्फीयर इंडिया लाई कर रहा है, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट है, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, किस में, जल्दी से आंसर करें। तो ये आपका है नॉर्थ और ईस्ट, तो इधर कौन सा ऑप्शन, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थन ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, ओके। सो नेक्स्ट इज, द हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग, माउंटेन की टाइप्स होते हैं, हिमालय कौन सी टाइप की माउंटेन की टाइप्स है, तो देट इज, जल्दी से फोल्ड है, बिल्कुल है, ब्लॉक है, कौन सी है, तो फोल्ड माउंटेन्स होती हैं हिमालय। सो द नेक्स्ट इज, विच सेक्शन ऑफ जे एंड के रिएक्शन एक्ट 2019 डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ यूटी ऑफ जे एंड के विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, जल्दी से बताएं, कौन सी सेक्शन डील कर रही है यूटी ऑफ जे एंड के विद लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसका राइट आंसर है नन ऑफ द अबो, क्योंकि यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, ओके। यहाँ पर ऐसा होता है कि डील्स विद द यूटी ऑफ जे एंड के विदाउट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो आपकी आती सेक्शन नंबर 4, ओके, सेक्शन नंबर 4, यूटी ऑफ जे एंड के, फॉर्मेशन ऑफ यूटी विद द फॉर यूटी विद विदाउट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो इसको सेक्शन 4 के अंदर लिखा है, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, सॉरी विद लेजिस्लेटिव, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होती इसमें, तो यानी कौन सी सेक्शन रिमूव कर रही है, तो 57 सेक्शन रिएक्शन एक्ट की कह रही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं होंगे, एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक और बता देते हैं, 75 सेक्शन ऑफ जे एंड के रिएक्शन एक्ट कह रहा है कि कॉमन हाई कोर्ट होगा, कॉमन हाई कोर्ट दोनों यूटीज़ के लिए एक ही हाई कोर्ट होगा। जे एंड के रिएक्शन एक्ट 2019 वो साइन भाई, किसने साइन किया था, प्रेजिडेंट, प्रेजिडेंट कौन थे, कौन थे, रामनाथ कोविंद थे, ठीक है। कब साइन किया था, 9 अगस्त को, अगस्त 2019 को साइन किया था, ठीक है। 5 अगस्त को राज्यसभा में, 6 अगस्त को लोकसभा में, और 9 अगस्त को प्रेसिडेंट के साइन हुए, और 31 अक्टूबर 2019 को कम इनटू फोर्स हुआ था रिजर्वेशन एक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज कॉल्ड एज अकबर ऑफ कश्मीर, किसे कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर करें। अकबर ऑफ कश्मीर जैनुल आबिदीन को कहा जाता है, अकबर ऑफ कश्मीर। लास्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ डोगरी, फादर ऑफ डोगरी किन्हें कहा जाता है, फादर ऑफ डोगरी, जल्दी से बताएं, फादर ऑफ डोगरी कहा जाता है रामनाथ शास्त्री जी को, रामनाथ शास्त्री जी इज कॉल्ड फादर ऑफ डोगरी। तो अगर एक आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट्स अच्छे लगते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि थोड़ा सा मोटिवेट हो जाऊँ और आपके लिए प्रैक्टिस सेट बना कर लाऊँ, और मॉक टेस्ट भी आपके लिए कंटिन्यू रखें जब तक आपका एग्ज़ाम होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।